अरे क्या हो क्या गया है मुंबई को, एक खूबसूरत चेहरा दिखाई नहीं देता। सर मैं जो हूँ। शट अप। यस सर। सब सड़े हुए पिचके हुए गुब्बारे रहे चेहरे, जैसे किसी ने सुई मारकर हवा निकाल दी हो। यस सर। या तो चेहरे पर वो इम्पोर्टेड मुस्कान या फिर वो देसी मनुष्यत्व। यस सर। अरे व्हाट। यस सर, मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैंने ये फिल्म बनाने का फैसला किया था। यस सर, मैं भी उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने आपको ज्वाइन किया था। शट अप। यस सर। पहले एक बात बताओ, ये अपनी जो सेंट्रल कलेक्टर है मीना, उसके बारे में क्या करें? होल्ड इट सर। क्यों? मीना मिल गई। कहाँ है? वहाँ है। कहाँ? वहाँ। आपके सामने सर। मिल गई। नागिन से लहराती हुई जुल्फे, चेहरे पे सादगी, आंखों में एक कशिश। रेडी रेडी, यही अपनी मीना है। अरे वो शायद यहीं पे आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग टीवी सीरियल्स बनाते हैं। अच्छा जी, कौन से बनाई हैं? वैसे तो बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन उसमें से पॉपुलर है माला। माला? माला 552 एपिसोड। अच्छा, माला सीरियल आपने बनाई है? मैंने, मैंने। और ये उसके डायरेक्टर है उलझन कुमार। ये डायरेक्टर है? हाँ। ये तो शक्ल से किसी सर्कस के जोकर लग रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं। और अब ना हम लोग एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उसका टाइटल है और कुत्ते भोंकते रहे। तो उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, हम चाहते हैं वो आप करें। हाँ। यानी कुत्ती का? नहीं, कुत्तों के मालकिन का। मालकिन एक्ट्रेस मीना का कैरेक्टर। अच्छा, सेंट्रल कैरेक्टर। लेकिन मैं कैसे एक्टिंग कर पाऊंगी? अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं, वो टूटने दो, लेकिन मेरे एक्टिंग का क्या होगा? मैंने तो आज तक कभी स्कूल के ड्रामे में भी पार्ट नहीं लिया था। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभालूंगा। आप जानती है कितनी एक्ट्रेसेस को मैंने रिजेक्ट कर दिया? अच्छा, प्रेमा शालिनी जानती है आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। अरे उसको भी रिजेक्ट कर दिया मैंने। प्रेमा जी को आपने रिजेक्ट कर दिया? बहुत अच्छा किया। क्यों, क्या वो आप जैसी इंडियन ब्यूटी कहाँ है उसके पास? वो आंखों की कशिश, चेहरे की सादगी, वो नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आप करेंगे ना? प्रेमा जी को आपने रिजेक्ट किया है ना? Yes. तो फिर ये रोल मैं जरूर करूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। 11.25 रुपए निकाल, साइनिंग अमाउंट। सर लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड चलेगा? 11.25 रुपयों के लिए? नहीं, रहने दे, उससे अच्छा आप बाद में दीजिए मुझे। चलेगा ना? आप घर पे आइएगा प्लीज। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा, आज फिर जीने की तमन्ना है। जी, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। दिलरुबा जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मामा ठीक हा, लेकिन बात क्या हो? बस ये मत पूछिए, वो कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी कर सकता है, उस तरह हीरोइन की परख सिर्फ उलझन कुमार ही कर सकते हैं। हीरा जौहरी उलझन परख, ये चक्कर क्या है कोकी जी? क्यों, आपने उलझन कुमार का नाम नहीं सुना है? अरे वो माला सीरियल के डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे अगली फिल्म के लिए एज ए हीरोइन साइन किया है। क्या? हाँ, और उनकी फिल्म का नाम है और कुत्ते भौंकते रहे। और कुत्ते भौंकते रहे? क्यों हंस रहे आप? कोकी जी, अगर इस नाम की फिल्म बनेगी तो हॉल में भी कुत्ते ही भौंकेंगे, उन्होंने मजाक किया होगा आपसे। अरे नहीं, बिल्कुल सच है, देखते रहना, ये कोकी एक ना एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली है। कोकी जी, आप उलझन कुमार को नहीं जानती, बहुत चालू आदमी है वो। नहीं, मेरा उलझन ऐसा नहीं हो सकता। मेरा उलझन? हाँ। अरे कोकी जी, आप जैसी सुंदर जवान लड़कियों को उलझन में डाल के उलझाना ही उलझन कुमार का काम है, आप जानती नहीं हैं। जब मैं आपको जान गई हूँ तो उन्हें नहीं जानूंगी? क्यों दिलरुबा जी, अगर मैं स्टार बन गई तो आपको खुशी नहीं होगी? इसका मतलब आप मुझ पर जल रहे हैं? नहीं, चले जाइए यहाँ से। जाइए, सब मुझ पर जल रहे, मगर देखते रहिएगा, ये कोकी एक ना एक दिन टॉप की हीरोइन बन जाएगी। कोकी जी, कवर स्टोरी के लिए मैं आपका इंटरव्यू चाहती हूँ। कहाँ से आई है आप? सितारों की धूल मैगजीन से। सितारों की धूल, समझ गई, पूछिए जो पूछना है। आपकी एम्बिशन क्या है? वेल, बेसिकली यू नो, मैं एक अच्छी अदाकारा बनना चाहती हूँ। शॉट रेडी है? आ रही हूँ, डायरेक्टर साहब से कहना मैं जरा इंटरव्यू देने में बिजी हूँ। जाइए आप।
ये लोग है ना, ये लोग समझते हैं कि एक्टिंग इज अ मैकेनिकल जॉब, बट इट इज नॉट सो, यू नो। जल्दी बुला रही हूँ, चाहिए। आप क्या कह रही थी? अपने एक्टिंग कहाँ से सीखी? एक्टिंग कहीं से सीखी नहीं जाती। मैडम कौन है बाहर? Who's that idiot? मम्मी सपने से बाहर आ। चिंटू क्या है? कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। तो जाकर देखो ना। अच्छा सा सपना टूट गया मेरा। चिंटू आंटी, अरे बधाई हो कोकी जी, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रही हो पूना? अरे वाह, क्या आप हमें बताएंगे? नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला पूनम? मम्मी ग्रेप वाइन। ओके, सोसाइटी में ऐसी बातें चुपती थोड़ी ना है, बाहर सभी जगह तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। क्या सब लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं? ओह नो, दुनिया भर में फैले मेरे प्रिय प्रशंसकों और फैनों, तुम्हारी प्रेमाशाली सुसाइड करने जा रही है क्योंकि उसका डायरेक्टर कहता है कि उसके फेस पर इंडियन लुक नहीं है। Indian, look my foot! Dal mein stool khicho. Ek minute ruko na, dil mera dialogue to complete ho jaye. Ha, to main kahan thi? Tum stool pe thi. I mean stool pe ho. Oh, shut up, dil. Mera dialogue to complete hone do. Ha, to main keh rahi thi ki mera director kehta hai ki mere face par Indian look nahi hai. Ab Indian look nahi hai, to isme main kya kar sakti hu? Dal mein stool khicho. अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ किचन में। जब तुम्हारा डायलॉग बाजी खत्म हो जाए मुझे आवाज देख के बुला लेना। okay. मैं स्टूल को आके टांग मार दूंगा या खुद ही टांग मार के गिरा देना। एंड बाय, सी यू इन हेल, आई मीन हेवन। तुमने सुना ना? सुना, अब मैं भी जा रही हूँ। मेरा एक रोल छिन गया है आज, कल न जाने क्या होगा। प्रेमाजी, आप क्या कर रही है? क्या कर रही है? मुझे मरने दीजिए कुछ। लेकिन आप मरना क्यों चाहती है प्रेमा जी? मैं मरना क्यों चाहती हूँ? हाँ। अभी आपको बताती हूँ, help me down first। क्यों मरना चाहती है प्रेमा जी? मैं इसलिए मरना चाहती हूँ कि कोई मेरा रोल छीन रहा है एक फिल्म में। किसने आपके रोल को छीनने की हिम्मत की? आपके कोकी ने। क्या बात कर रहा है केशव, कोकी भाभी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस बनने वाली है। अरे यार, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे क्या कब खुश होना चाहिए? तू जानता है पहले उस फिल्म में प्रेमा जी काम करने वाली थी, बेचारी कितनी दुखी हो। मैंने कोकी को समझाने की कोशिश की तो कहने लगी तुम बीच में टांग क्यों उड़ाते हो। उसने मेरा अपमान किया गोखले, मेरा अपमान किया। अरे वो दो रोज की बात है केशव। देख केशव, कभी तो अपने फायदे की सोच, जरा सोच। कोकी भाभी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस, अरे यार तू लाखों करोड़ों में खेलेगा। टकलू शर्मा के झंझट से तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जब तू घर से बाहर निकलेगा तो गली का बच्चा बच्चा तुझे देख कर बोलेगा, अरे वो देखो ए गनिया, वो देख केशव कुलकर्णी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस को, किला कुलकर्णी का मशहूर पति केशव कुलकर्णी बनिया, वो भी क्या केशव कुलकर्णी। अरे केशव, गाड़ी, पैसा, बंगला। राइट गोखले, यू आर राइट। मेरे पास पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। यू आर राइट। बाद में उस गाड़ी का क्या करूंगा तू जानता है? क्या करेगा? उस गाड़ी में मैं प्रेमा जी को बिठाऊंगा और शूटिंग लोकेशन पर ले जाऊंगा। कुत्ते की दुम। हाँ तो कोकी जी, आप तो जानती हैं कि हमारी फिल्म का टाइटल है और कुत्ते भौंकते रहे। आप इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी का किरदार अदा कर रही हैं। लाइक झांसी की रानी, है ना सर? शट अप। तो आपके पति जवानी में मर गए। अच्छा, आपके ससुराल वाले आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। आपके माँ बाप तो है ही नहीं। आप बिल्कुल अकेली, लाचार, बेसहारा। अबे लाचार और बेसहारा होगी तेरी माँ। ओह चिंटू बेटे, ऐसा नहीं बोलते। ये अंकल तो फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं। सॉरी बोलो अंकल को। ओह सॉरी, स्मार्ट बॉय। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो क्या होता है कि आप पर दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, लेकिन आप भी तो हिंद की नारी है, आप टूटती नहीं। हेलो, ये कौन है, आपकी सेक्रेटरी? नहीं नहीं, स्पॉट बॉय। नहीं नहीं, मीट माय हबी मिस्टर केशव। और केशव, ये है मिस्टर उलझन कुमार। ओह हेलो उलझन कुमार। और ये है उनके असिस्टेंट कामिनी। हेलो, क्या से लोग मुझे कम्मो कहते हैं। मैं भी कम्मो ही कहूंगा। शट अप केशव, आप कंटिन्यू कीजिए ना डायरेक्टर साहब। हाँ, तो आगे होता क्या है कि आप एक सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद लेती हैं। लेकिन कोकी डार्लिंग, तुम्हें तो सिलाई की मशीन चलाना नहीं आती। अरे भाई चीटिंग कर लेंगे। इनकी जगह आपके हाथ और पैर डाल देंगे, उसमें क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी सॉरी, मुझे सुनने दो। हाँ, तो
आगे यहाँ क्या होता है कि वो छोटी सी सिलाई की मशीन से आप एक बहुत बड़ी गारमेंट की फैक्ट्री खोल लेती है और फिर बिजनेस इस कदर बढ़ जाता है कि आप शहर की सबसे बड़ी गारमेंट मेकर बन जाती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी उलझन, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ओरिजिनल है। डायरेक्टर साहब जी जी जी, बाकी सब तो मुझे ठीक लगा, वेरी गुड, लेकिन आपका ये जो टाइटल है ना, और कुत्ते भौंकते रहे, ये आप इस कहानी से कैसे लिंक अप करेंगे? क्या कोकी जी, ये टाइटल है थोड़ा सिंबॉलिक है, यानी क्या कि बहुत गहरा अर्थ निकलता है उससे, जैसे जैसे फिल्म बनती जाएगी हमारी समझ में आ जाएगा। मेरे भी समझ में आएगा ना? यस यस डेफिनेटली। तो ठीक है, कल 10 बजे आप दारू वाला बंगला पहुंच जाइए, आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। ओके ओके, तो कल सुबह शार्प 10 o'clock विद मेकअप एंड एवरीथिंग रेडी। ओके ओके ओके, अच्छा बाय। अच्छा उलझन जी, अच्छा उलझन जी, थैंक यू। ओके ओके, स्ट्रांग लेडी, दुखों का पहाड़ सिलाई। क्या है केशु, क्यों इस तरह मुझे देख रहे हो? क्यों ना देखो? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, शादी की बात, पहली बार तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। क्या करूं डाली, शादी की बात पहली बार ही तो मुझे पता चला है कि मेरे घर में टैलेंट का भंडार छिपा हुआ। कोकी की आंखों में एक अजीब किस्म की मायूसी देखी। नो शट अप। Did you see that? कोकी कोकी कोकी, यही तो लोग थे जो कुछ दिन पहले मेरे घर के सामने झोली फैलाकर मुझसे डेट्स की भीख मांगते थे। Don't worry, take it easy. How can I take it easy? I mean, how can I take it easy? यही तो लोग थे जो मेरे इर्द गिर्द डॉगी की तरह दुम हिलाते फिरते थे। डॉग प्लीज टेक इट इजी। मेरे कदमों में बैठ कर दिल रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, हाँ जी मैडम, ना जी मैडम, ना जी मैडम, चीज लाओ मैडम, पिज्जा लाओ मैडम, चाइनीज लाओ मैडम। मैडम प्लीज टेक इट इजी। तुम समझते नहीं हो डॉल भाई, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, बाहर लौट के आएंगी। लेकिन बुरा ना मानेंगे तो बात कहूँ, थोड़ी सी डिक्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी। डिक्शन पे? हाँ, और इमोशन थोड़ा और डालना पड़ेगा। इमोशन डालना पड़ेगा? हाँ, वो क्या है, यू नो इंडियन ऑडियंस, उनकी जेबें खाली करने के लिए उनको रुलाना पड़ता है। ठीक है सर, इमोशन की प्रैक्टिस तो मैं घर पर जाकर करूंगी, लेकिन सर मेरे एक्टिंग के बारे में, ये देखिए मेरे परफॉर्मेंस के बारे में, एनी सजेशन? अरे नहीं नहीं कोकी जी, नहीं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर पैकअप करें। शट अप, पैकअप। आई एम ए बैचलर, अकेला हूँ, बीमार हूँ, आई एम ए बैचलर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। केशव जी सर, क्या है, मेरे सर में जरा दर्द था इसलिए ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई है सर। मैंने आपको फाइल कंप्लीट करने के लिए नहीं बुलाया केशव जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सुना है केशव जी की कोकी जी एक्टिंग करने लगी है? देखिए सर, ये मेरा पर्सनल मामला है, इस मामले में आप बीच में। अरे भाई नाराज क्यों होते हो, ऐसी टैलेंटेड वाइफ तो किसी किसी किस्मत वाले को मिलती है। थैंक यू, यू आर लकी केशव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। शूटिंग कब से है? सर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इस महीने के एंड में शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब आपको छुट्टी चाहिए शौक से ले जाइए। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अब सुनो केशव, अपनी कोकी से हमारे लिए भी। जी वो क्या केशव, की मैं स्कूल के जमाने में बहुत अच्छा एक्टर था, मैंने स्कूल के ड्रामे में बहुत बढ़िया काम किया था। अच्छा, ड्रामे का नाम क्या था सर? किंग एलिफेंट? सॉरी सर। बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हैं केशव जी आप, यह बात कुछ सेंसा फीमर कोकी जी से हमारे लिए। जरूर कहूंगा, बहुत ही अच्छे एक्टर थे आप। अच्छा ये फाइल जरा शाम तक कंप्लीट कर। हां कोई बात नहीं, मैं पूरी कर लूंगा। जाइए। अरे कुछ लिखा कि नहीं लिखा? सर सोच रही हूँ। अरे लिखने के लिए सोचने की क्या जरूरत है? यस सर। और जो भी लिखो ऐसा धासू लिखो, धासू। सर डोंट वरी, वेरी गुड, फाड़ देंगे, बिल्कुल फाड़ देंगे। इस तरह का सीन लिखूंगी मैं, ऑडियंस 3 घंटों के लिए अपनी सीट पे बिल्कुल मैग्नेट की तरह चिपकी रहेगी। करेक्ट। कोकी जी के सीन जरा ज्यादा लिखो। क्यों सर? अरे क्यों क्या, मुझे उनमें मदर इंडिया की नरगिस नजर आती है। यस सर, मुझे भी उनमें हम आपके कौन की रीमा नजर आती है। शट अप, अपने फिल्म के आगे हम आपके कौन क्या चीज है? हाँ सर, अपनी फिल्म के आगे मदर इंडिया भी क्या चीज है। हेलो प्रेमा जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्यों क्या हुआ प्रेमा जी? मेरी खुशियों की दुनिया बर्बाद करने वाले जातू आबाद रहे, यहाँ रहे या गाजियाबाद रहे। गाजियाबाद? क्यों प्रेमा जी, मेरा कसूर क्या है? कितने इनोसेंट बन रहे हैं आप
आपकी कोकी मेरी छोटी सी दुनिया बर्बाद करने पर तुले हुए है। मतलब कोकी की वजह से हमारे रिश्तों में दरार आई? यस आई, क्योंकि वो दीवार बनकर खड़ी है हम दोनों के बीच में, और जब तक वो दीवार बनकर खड़ी है ना केकू जी, तब तक हम आपके क्या, हम आपके, बताइए ना प्रेमा जी, हम आपके क्या, हम आपके हैं कौन? कोई नहीं। क्या? कुछ नहीं। क्या? कभी नहीं। आप क्या कह रही हैं प्रेमा जी, आप क्या कह रही हैं, हम आपके कोई नहीं? ठीक है प्रेमा जी, आज तक आपने मेरी दोस्ती देखी है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत? हाँ हाँ हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत से आप अगर मेरी जान भी मांगेगी तो अपना सीना फाड़ कर अपनी जान को प्लेट में लाकर रख दूंगा। ठीक है, अगर हम आपके कोई नहीं तो हम यहाँ से जाते हैं प्रेमा जी, हम जाते हैं। क्यों, मैं तो देख के नहीं चलता क्या? क्यों, मोहब्बत के मारों से टकरा रहे हो दोस्त? मोहब्बत? अरे अरे कमाल है डॉल, ये पिटा वो आशिक हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे नहीं मालूम, मुझे मत पूछो, श्योर आओ। अच्छा खा छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लाया होगे कुछ कचरा कहीं से उठाकर। वो तुम्हें शादी जब की उस दिन लेकर आया था। जो क्या, जो क्या? देखो 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 देखो, How to look Indian by John Frank. Yeah, made in England. Made in England and how to look Indian? बोल तुम समझती नहीं हो भाई, अंग्रेज लोग जितने अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को पहचानते हैं उतना हम इंडियन भी नहीं पहचानते। अगली किताब देखो, How to improve your Hindi. In English? Yeah, first Hindi to English, then English to Hindi. Next किताब देखो, How to wear a sari by Petikoto Sariyama. ये जापानी राइटर है। लेकिन ये सब मेरे लिए क्यों दे हो? डॉल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह भारतीय नारी बन जाओ, इसलिए ताकि वो जो है ना उलझन कुमार, वो कोकी जी के पास बिल्कुल ना भटके। हाँ सर। क्या सर? क्या? मैंने धांसू सीन लिखा है सर। अच्छा? यस सर। सुना सुना। हाँ, मीना लाला की दुकान पर जाती है। क्लोज से ओपन करते हैं। ओके सर। मीना कहती है, लाला थोड़ा सा आटा दे दो। हाय 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 हाय, ओवर शोल्डर। लाला कहता है, ठीक है, तुम भी क्या याद करोगी, वेरी गुड, कि किसी भले आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। क्रेन शॉट। जाओ अंदर जाके खुद ही ले लो। वेरी गुड। मीना अंदर जाती है, ट्रॉली। लाला भी उसके पीछे अंदर जाता है, ट्रॉली, और कमरे का दरवाजा बंद। रोटी कपड़ा और मकान, डाकू रानी गंगा। सर, लेकिन हमने ये सीन रोटी कपड़ा और मकान से चुरा है, ये बात तो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ। शट अप। ओहो, हेलो। हेलो, मैं कोकी बोल रही हूँ। अरे वाह वाह, बस आप ही को याद कर रहे थे। क्या है कि एक सीन लिखा जा रहा है। मैं हूँ उस सीन में। हमारी फिल्म में तो सिर्फ आप ही आप छाई हुई है, बस शूटिंग कब शुरू करें? उलझन कुमार, आप थोड़े दिन रुक नहीं सकते क्या? क्यों, आप क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो मैं और केशु ऊटी जा रहे हैं। जाइए जाइए, घूम के आइए, आने के बाद फोन करना, फिर डिसाइड करते कब शूटिंग करें। ओके बाय, कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी जर्नी। ये कोकी शूटिंग शुरू होने से पहले नखरे दिखाने लग गई है। पिछले हफ्ते कहा था जुकाम हो गया, अब कह रहे हैं कि घूमने जाना है। हाँ सर हाँ, उसने कॉस्ट्यूम्स के लिए भी कितने नखरे किए थे, और ब्लाउज के पैटर्न के लिए तो सर उन्होंने मेरे साथ एक घंटे तक बहस की थी। हमने बहुत बड़ी गलती की कोकी को कास्ट करके। यस सर। हेलो, मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाय। अरे देखिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, आई एम अ वेरी बिजी मैन। अपना 5 मिनट मुझे नहीं देकर तुम अपने 5 करोड़ की फिल्म का कबाड़ा कर रहे हो। हाय। त्रिशूल। नहीं नहीं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हाय। अरे नहीं, ये डायलॉग त्रिशूल का है, आप प्रेमा शालिनी बोल रही है। देखिए, आप लाख कोशिश कीजिए लेकिन ये फिल्म मैं आपको नहीं दे सकता, दैट इज फाइनल। जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रेमा जी, अब हम क्या बात करेंगे, आप ही ने तो कह दिया हम आपके कोई नहीं। जी, रात कहीं बात करें प्लीज, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए।
प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे और शर्मिंदा। प्रेमा जी रोइएगा मत, रोइएगा मत प्लीज, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। बताइए क्या बात करनी है प्रेमा जी? केकु जी, नाउ आई नो व्हाट यू मीन बाय सेइंग मोहब्बत। मोहब्बत, आई रियली एडमायर यू केकु जी। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू केकु जी। आपको आपकी बात याद है ना, आपने कहा था मेरे लिए आप जान भी दे देंगे प्लेट पर रख के। याद है प्रेमा जी, याद है। देनी है जान, बोलिए तू लाइए प्लेट, लाइए मैं देने के लिए तैयार हूँ प्रेमा जी, लाइए। नहीं, मैं समझ गई, इसका मतलब ये है कि आप जान देने के लिए तैयार है मेरे लिए। आप चाहते हैं ना कि मैं ये फिल्म करूँ और मेरी जान बच जाए। प्रेमा जी मैं तो चाहता हूँ, लेकिन कोकी मेरे पास इस पॉकेट में दो टिकट्स हैं। फिल्म का नाम है रास्ते का कांटा, 12 से 3 का शो है, बॉक्स की सीट्स है। बॉक्स की? हम दोनों जाएंगे प्रेमा जी? नहीं, हम दोनों नहीं, आप और कोकी जी। कोकी? लेकिन कोकी बॉक्स में फिट नहीं हो पाएगी प्रेमा जी। और वैसे भी 12 और 3 के बीच में तो उलझन कुमार कोकी को मिलने के लिए आने वाला है। Exactly. समझ गया प्रेमा जी, समझ गया। आप करेंगे ना ये काम मेरे लिए? जरूर करूंगा प्रेमा जी, हम दोनों की मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं जाऊँगा प्रेमा जी, जरूर जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। कोकी, हम कल 12 से 3 के शो में पिक्चर देखने जाएंगे, रास्ते का कांटा। ये है बॉक्स के दो टिकट। नहीं नहीं, कल नहीं, कल तो डायरेक्टर साहब फाइनल स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं। अरे तो आने दो ना, आने दो। अरे कोकी, तुम इस फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर निभा रही हो, जरा स्टार की तरह बिहेव करना सीखो। तुमने सुना नहीं वो शर्मिंदा देवी का किस्सा? शर्मिंदा देवी ने अपने प्रोड्यूसर को डेट के लिए इतना घुमाया कि वो प्रोड्यूसर पागल हो गया। हाँ, मगर शर्मिंदा देवी को उसी फिल्म के लिए अवार्ड मिल गया था। You're right, उसके बाद ही वो इंटरनेशनल स्टार भी बन गई थी। तुम भी ऐसा करो कोकी, स्टार बनो, स्टार। ऐसे तो कई उलझन कुमार तुम्हें मिलने के लिए आएंगे, तुम ऐसे ही मिल लोगे। ठीक है केशव, तुम ठीक कह रहे हो, कल मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने जरूर चलूंगी। ओके। कोकी इज सो स्टूपिड। कोकी जी का आज फाइनल रिहर्सल कर देते, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ओके सर। सर क्या हुआ? लेकिन यहाँ तो ताला है। व्हाट? यस सर। दिस इज अ लिमिट, ये कोकी के नाटक बहुत हो गए। आई एम टेलिंग यू, कोकी इस फिल्म में काम नहीं करेगी, दैट इज फाइनल। सर लेकिन अब क्या करें? अब शट अप करें। नमस्कार। वाओ, रियल इंडियन ब्यूटी। कमो, अपने फिल्म के लिए हीरोइन मिल गई। शर्मा रही हूँ। हाय 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 हाय, क्या इंडियन नजाकत है। चलो प्रेमा जी का स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। आज मुहूर्त का दिन है और ये उलझन कुमार अभी तक नहीं आए हैं। ओ कोकी, ये फिल्मी चक्कर छोड़ो और घर का चूल्हा संभालो। शट अप केशु। चिंटू। क्या है मम्मी? चिंटू, कल वो डायरेक्टर अंकल हमारे घर आए थे। हाँ वो दोनों आए थे, लेकिन आप दोनों तो पिक्चर देखने गए थे, इसलिए वो प्रेमा आंटी को स्क्रीन टेस्ट के लिए ले गए। क्या? हाँ, प्रेमा आंटी को सिलेक्शन के लिए? कोकी जी, कोकी जी चलिए चलिए, मुहूर्त का समय हो रहा है। आज क्यों, मैं क्यों चलूं? आपने तो अब दूसरी हीरोइन सिलेक्ट की है ना, प्रेमा शालिनी। अरे नहीं नहीं कोकी जी, नहीं, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। क्या है, वो स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गई। उसने अपना गेटअप तो चेंज कर लिया, लेकिन जुबान को नहीं चेंज कर पाई। मेरा मतलब है कि हिंदी भी अंग्रेजी में बोलती है। इसलिए अब आप ही हमारी हीरोइन है। सॉरी, अब आपको इंतजार करना होगा, अगले 1 साल तक मेरे पास डेट्स ही नहीं है। क्या?